हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वीआरएफ सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ वीआरएफ एंड वीआरवी सिस्टम पार्ट टू। ऑलरेडी पार्ट वन हम बना चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ वीआरएफ एंड वीआरवी के नाम से है, जिसमें ब्लॉक डायग्राम वीआरएफ सिस्टम का और रेफ्रेशन साइकिल कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं उसमें, वीएफडी कैसे काम करता है, आरपीएम क्या है, तो उसमें फुल डिटेल्स आपको हम शेयर किए हैं। कब बना अपना सबसे पहले वीआरवी लॉन्च किया था डेकिन कंपनी ने, कब किया, तो उसको आप एक बार जरूर वॉच करें पार्ट वन वीडियो, तो आपको ये पार्ट टू समझने में थोड़ा आसानी होगा। आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ वीआरएफ सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर वन है कूलिंग टाइप वीआरएफ, इसका अपडेटेड वर्जन है हीट पंप वीआरएफ और हीट रिकवरी वीआरएफ। तो कूलिंग टाइप वीआरएफ में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप कूलिंग ले सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल यूनिट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आउटडोर यूनिट है और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल इंडोर यूनिट है। यहाँ पर हमने तीन इंडोर यूनिट एग्जांपल के तौर पे लिया है, बट आप 60 इंडोर यूनिट तक कनेक्ट कर सकते हैं, और वो भी डिफरेंस डिफरेंस मॉडल में आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक कैसेट एसी आपने लगाया, दूसरा आप स्प्लिट टाइप लगा सकते हैं, तीसरा आप वॉल माउंटेड आप लगा सकते हैं। तो ये आप चाहे अपने हिसाब से, रूम का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसमें टन भी आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कोई यूनिट आप एक टन का लगाएं, दूसरा दो टन का लगा सकते हैं, तीसरा तीन टन का लगा सकते हैं, इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कूलिंग टाइप वीआरएफ सिस्टम कैसे काम करता है। कूलिंग टाइप वीआरएफ सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कूलिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इसमें हीट होने का ऑप्शन नहीं है, रूम हीट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कूलिंग काम करेगा, जिस तरह से आपका नॉर्मल एसी काम करता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है कि मल्टीपल इंडोर यूनिट यूज किया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए गर्मी के टाइम में मोस्टली इसको यूज किया जाता है, जब आपका रूम का टेम्परेचर ज्यादा है तो कूलिंग टाइप वीआरएफ को यूज किया जाता है। दूसरा हमारा ये हीट पंप वीआरएफ है। हीट पंप वीआरएफ सिस्टम में क्या होता है कि इसमें या तो आप एक टाइम में कूलिंग ले सकते हैं या फिर हीट ले सकते हैं। जैसे कि आपने 20 इंडोर यूनिट लगाया है, तो 20 इंडोर यूनिट में आप 20 का 20 को कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं या 20 का 20 यूनिट को आप हीट मोड में चला सकते हैं। ये सिस्टम इसमें ऑप्शन है, लेकिन एक टाइम में आप दो काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो 10 यूनिट को कूल मोड में चलाने के लिए और 10 यूनिट को हीट मोड में चलाने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, इसका अपडेटेड वर्जन है हीट रिकवरी वीआरएफ। हीट रिकवरी वीआरएफ सिस्टम में क्या होता है कि इसमें अगर आपने 20 इंडोर यूनिट इंस्टॉल किया है, तो इसमें आप 10 इंडोर यूनिट को हीट मोड में चला सकते हैं और 10 इंडोर यूनिट को आप कूल मोड में चला सकते हैं। एज ए टाइम, एक ही टाइम में आप ये दो चेंजेस इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। बट अदरवाइज ये दो जो सिस्टम है ना, हीट पंप वीआरएफ सिस्टम में, तो आप या तो हीट ले सकते हैं या कूल ले सकते हैं, ये ऑप्शन है, और कूलिंग टाइप में सिर्फ और सिर्फ कूलिंग लेंगे। तो आज हम कूलिंग टाइप वीआरएफ सिस्टम, इसका ब्लॉक डायग्राम जानेंगे, ठीक है, और दूसरा हीट पंप वीआरएफ सिस्टम, इसके बारे में भी हम बताएंगे। इसका ड्राइंग थोड़ा अलग हो जाएगा, इसमें 4A बायलेंसिंग वाल्व यूज करते हैं, एनआरवी यूज करते हैं, तो इसका ड्राइंग हम बता के अभी। ये हीट रिकवरी वीआरएफ सिस्टम दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, एक वीडियो में ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिये, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आउटडोर यूनिट है, ठीक है, कॉमन आउटडोर यूनिट है, और इसके हिसाब से मल्टीपल इंडोर यूनिट को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ये कैसे वर्किंग होता है, इसका पाइपिंग कनेक्शन कैसे है, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद अपना हम स्टडी आपको रेफ्रेशन साइकिल इसका स्टडी करा देंगे। तो ये देखिए, हमारा ये कॉमन आउटडोर यूनिट है, जिसमें आपको कंप्रेसर आपको मिलेगा, फिर कंडेंसर कॉइल मिलेगा। ऑलरेडी इसका स्टडी हम कराए हैं पार्ट वन में, और आइदर 410 हम लोग इसमें रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, एस्कोर टाइप कंप्रेसर, इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर यूज होता है। तो आपको वहां से आउटडोर यूनिट से दो लाइन निकलेगा, ठीक है, एक लाइन हमारा लिक्विड लाइन निकलता है, दूसरा सक्शन लाइन निकलता है। और लिक्विड लाइन जब निकलेगा, तो इसके बीच में अगर तीन इंडोर यूनिट आप कनेक्ट किए हैं, तो इसमें आपको दो क्या कहते हैं रेफनेट यूज करना होगा। इसको हम लोग जो है, जो इसको चेंज करते हैं, बीच में लाइन को कनेक्ट करते हैं इंडोर यूनिट को, इसको हम लोग रेफनेट बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रेफनेट, दूसरा दो तीन नाम से इसको जानते हैं, मल्टी की सेपरेशन ट्यूब, वाई ज्वाइंट। तो आपसे इंटरव्यू में किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेफनेट क्या है, ठीक है, सेपरेशन ट्यूब क्या है, तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि वो अलग अलग कंपनी जो है ना, वो डिफरेंस नाम से करते हैं। जैसे हिटाची कंपनी है, मल्टीकिट के नाम से है, अपना रेफनेट जो है डेकिन कंपनी में बोला जाता है। सेपरेशन ट्यूब एक नाम है इसका, वाई ज्वाइंट अपना नॉर्मली जो वर्क करते हैं इसको वाई ज्वाइंट भी बोलते हैं। तो अभी हम इसका फंक्शन जानेंगे, कैसे ये काम करता है। अभी क्या है, आउटडोर यूनिट से हमारा दो लाइन आया, तो दो लाइन में लिक्विड लाइन में हमारा रेफ्रिजरेंट का स्टेटस क्या होता है,
हाई प्रेशर होता है, मीडियम टेम्परेचर और सब कुछ लिक्विड पोजीशन में होता है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट हमारा ये रेफिनेट में आएगा। रेफिनेट में आने के बाद यहाँ पे एक कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पर इंडोरिनेट का। इंडोरिनेट यहाँ पर वन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देख रही है एक एक्सपेंशन डिवाइस लगाया गया है, ईईवी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, ये यहाँ पर लगाया गया है। फिर इस हिसाब से एक यहाँ आ गया, दूसरा ये लाइन जो है एक सिंगल सीधा आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी एक ज्वाइंट लेकर के यहाँ पर किया गया है, दूसरा यूनिट को इंस्टॉल किया गया है। इसी तरह से इसका आगे जो लाइन बचा यहाँ पर तीसरा यूनिट को इंस्टॉल कर दिया गया है। सेम यहाँ से जो ये राउंड होकर के इधर आया इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के बाद, जो अगर रूम में जितना डिमांड है उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो है हमारा काम करता है। जैसे इस पर हीट लोड कम है तो ये वाल्व को कम ओपन करेगा, ठीक है। इस पर सेंसर लगा रहता है, सेंसर को सेंस करके उसके हिसाब से ये कंट्रोल करता है। अगर हीट लोड अगर मान लीजिए इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो इसमें क्या है वाल्व को ज्यादा ओपन करेगा। और ये जो है ओपन होने के बाद यहाँ पे रूम में ही आएगा, इंडोर यूनिट हमारा रूम में लगा रहता है। उसके बाद यहाँ पर रेफ्रिजरेंट बॉयल ऑफ होकर के वापिस ये क्या कहते हैं सक्शन लाइन में यहाँ पे आ जाएगा। ये दूसरे वाला ये जो सक्शन लाइन जो जा रहा है इसके अंदर भी रेफ्रिजरेंट लगाया गया है। जितना इंडोर यूनिट कनेक्ट है उसका, जितना हमारा लिक्विड लाइन में आपका सेपरेशन ट्यूब लगा करके रखा रहेगा, उसी तरह से हमारा आउटडोर सेक्शन लाइन में भी हमारा रेफ्रिजरेंट लगा के रखा रहेगा। एक हमारा इधर से इन किया, दूसरा इधर से वापिस इसमें आउट किया, ठीक है, इसमें कनेक्ट होकर के, और ये वापिस मिल करके हमारा फिर से कंडेंसर में चला जाता है। इस तरह से ये हमारा जो सिस्टम है ये वर्क करता है। तो कूलिंग टाइप वीआरएफ सिस्टम का ये ब्लॉक डायग्राम हम बनाए थे समझाने के लिए, और दूसरा हम आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल इसका स्टडी करा देते हैं। तो अब हम लोग कूलिंग टाइप वीआरएफ रेफ्रिजरेशन साइकिल का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक ड्रॉइंग बनाया हुआ है, यहाँ पर एक इन्वर्टर कंप्रेसर, एक नॉर्मल कंप्रेसर है, ये जरूरत के हिसाब से दोनों इन्वर्टर कंप्रेसर लगा सकता है, ठीक है, या फिर सिंगल एक इन्वर्टर कंप्रेसर लगा सकता है। और इसमें अब हमारा जो है एस्कॉर्ट कंप्रेसर यूज होता है। तो हम इसका थोड़ा रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा कंप्रेसर है, ठीक है। कंप्रेसर में हमारा कितना दो लाइन आता है, एक सक्शन लाइन आता है और एक हमारा लिक्विड सक्शन लाइन आता है, और दूसरा हमारा डिस्चार्ज लाइन रहता है। तो ये जो लाइन है हमारा ये एसएल सक्शन लाइन है, और ये जो हमारा लाइन है ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हमारा यहाँ पर एक्यूमुलेटर यूज किया गया है, दूसरा वाला हमारा नॉर्मल कंप्रेसर है। तो हम लोग यही कंप्रेसर का स्टडी करेंगे, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो कंप्रेसर, ठीक है, कंडेंसर, और यहाँ पर देखिए मल्टीपल इंडोर यूनिट्स के लिए मल्टीपल अपना एक्सपेंशन डिवाइस लगाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये हमारा सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर सक करता है अपने सक्शन लाइन के जरिए, और बाद में ये अपना कंप्रेसिंग डिवाइस के जरिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपर हीट वेपर में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इस लाइन से जब कन्वर्ट करता है डिस्चार्ज लाइन में, तो फिर यहाँ पर आपको ऑयल सेपरेटर मिलता है, जो हमारा ऑयल को वापिस रिटर्न करने के लिए यहाँ पर ऑयल सेपरेटर लगाया जाता है। क्यों, इसका पाइपिंग का लाइन जो होता है बहुत लंबा होता है, इसलिए बीच में ही ऑयल रुक जाता है, वापस ऑयल आने में मुश्किल होता है, इसलिए ऑयल सेपरेटर यूज होता है, जिसके जरिए ऑयल हमारा यहाँ पर सेफ रहता है, कंप्रेसर वापस आता है। ऑयल सेपरेटर के बाद जो हमारा इधर सीधे लाइन जो निकलेगा ये हमारा कंडेंसर में आएगा। सेम दूसरा जो हमारा नॉर्मल कंप्रेसर है उसका भी सेम फंक्शन है, वापिस कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में हमारा क्या होता है कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपरहीट वेपर का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर सब कुछ लिक्विड कंडीशन में हो जाता है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है हमारा कंडेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है एम्बिएंट टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर मान लीजिए एम्बिएंट टेम्परेचर अगर हमारा 25 या 30 है, तो यहाँ पर आपको इधर कितना मिल जाएगा 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में आपको रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर मिलेगा। तो कभी भी हमारा जो हीट जो है हाई से लो की ओर जाता है, तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ पर कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद लिक्विड फॉर्म में आता है। तो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम बताएं कि वीआरएफ सिस्टम में मल्टीपल इंडोर यूनिट यूज होता है, तो यहाँ पर ये अपना जो ब्लॉक डायग्राम में आपको बताया ना, रेफ्रिजरेंट के जरिए यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ रहता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। तो जितना रिक्वायरमेंट जितना डिमांड रहता है जिस इंडोर यूनिट में, उतना रेफ्रिजरेंट को इसके अंदर फ्लो कराया जाता है, बाद में वापिस सक्शन लाइन में जो है रेफ्रिजरेंट के जरिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करके वापस ले लिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए इंडोर यूनिट 1 यहाँ पर है, इसका डिमांड कम है,
इसको रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम आएगा, इसका डिमांड ज्यादा है तो इसका फ्लो ज्यादा जाएगा। इसमें एक चीज और सिस्टम फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए एक आपका यूनिट कुछ खराब हो गया किसी कंडीशन से, तो आपको दूसरा सब यूनिट बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको आप डिस्कनेक्ट करके बाकी इंडोर यूनिट को आप यूज में ले सकते हैं, ये हमारा इसमें फायदा है। और दूसरी बात, इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर इसमें यूज होता है कि जिस तरह से यूनिट पे अगर लोड कम पड़ता है तो ये अपना जो है इसमें अपना ये लगा रहता है VFD लगा रहता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, उसके जरिए ये हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर काम करता है जो RPM को घटाता है और बढ़ाता है। ठीक है, देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, ओके, और दूसरा हमारा RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये दो चीज हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अभी इसमें इसको जितना डिमांड मिलेगा उसके हिसाब से ये वर्क करता है। अगर इसको मान लीजिए इसके इन्वर्टर के ऊपर कम लोड है तो ये कम लोड में चलेगा, इसलिए इस यूनिट को ज्यादा यूज किया जा रहा है, इसलिए कि इसमें हमारा बिजली का भी जो है बचत होता है। अभी बिजली का बचत, अभी बिजली कम इसमें अगर खर्च होगा तो हमारा अपना बिल भी कम आएगा जो अपना बिजली का है, तो इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जा रहा है। ये VRF सिस्टम लगाने से क्या फायदा है हमें कि लगभग हम नॉर्मल जो यूनिट है ना उससे हमको लगभग 50-60% का इसमें बचत हो जाता है। जैसे अभी अभी हमारा सिस्टम के ऊपर अगर लोड नहीं है तो इसका RPM बहुत कम कर देगा, जिसके जरिए जो है अपना जो एम्प्स जो है इसका कम लेगा, तो बिजली का बिल जो है कम आएगा। अगर मान लीजिए नॉर्मल कंप्रेसर का क्या होता है कि अगर वो एक बार स्टार्ट हुआ तो जितना उसका RPM है वो अपना फुल RPM में चलेगा, बट हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर जो है RPM को कम और ज्यादा ये करता है, जरूरत के हिसाब से लोड के हिसाब से ज्यादा करेगा और अनलोड के हिसाब से इसको कम कर देगा, तो ये चीज हमें फायदा है इसको लगाने में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।